हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हम करने वाले हैं आपके पार्टनर और आपके बीच में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है उसके ऊपर रीडिंग। देखेंगे आप दोनों का सिचुएशन कब तक खत्म हो सकता है। गाइस, एक जर्नल रीडिंग होगी, सभी साइंस के लिए होगी और टाइम बेस्ड रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आपके साथ रेजोनेट जरूर करेगी। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं या फिर सेम जेंडर रिलेशनशिप में, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ऊपर वाला आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आए, नेगेटिव चीज़ें हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। थर्ड पार्टी आपकी सभी की लाइफ से चली जाए। आप अपने पार्टनर के साथ कमिटमेंट चाहते हैं, कमिटमेंट मिले, शादी करना चाहते हैं, जल्दी से शादी हो जाए। जो लोग मैरिड हैं उनके पर्सन से उनकी जल्दी नए से अच्छे से फैमिली स्टार्ट हो जाए और सभी की लाइफ में से नेगेटिव चीज आए कि बहुत सारी खुशियाँ आ जाए। ठीक है गाइस, आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। अपने पार्टनर के ऊपर फोकस बना के रखते हैं। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल यूरियल, प्लीज़ हमें गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए क्या सही मैसेजेस हैं, हमें बताएं। फोर ऑफ कप्स, द चैरियट, ओके, कप्स की एनर्जी, फाइव ऑफ कप्स, टेम्परेंस, अगेन कप्स की एनर्जी, द मून, ओके, सच में ब्यूटीफुल, ओके। बॉटम में देखिए क्या है, फॉर ऑफ वेंट्स, मैरिज। फॉर ऑफ कप्स बताता है गाइस, आपके पार्टनर अगर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, कमिटमेंट से भाग रहे थे, आने वाले टाइम में आपके पार्टनर को अगर कोई भी ऑफर करेगा या फिर उनकी लाइफ में कोई भी नया ऑफर आता है, नई अपॉर्चुनिटी आती है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो टाइम पे वो सिर्फ आपको ही याद कर रहे होंगे, आपके साथ गुजरा हुआ टाइम याद कर रहे होंगे। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपके पार्टनर किसी और का दिया हुआ ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे। आप दोनों के बीच में कास्ट रिलेशन या एज गैप कुछ हो सकता है, जिससे आपके पार्टनर खुद बहुत ज़्यादा उदास हैं इस सिचुएशन में, ओके, और वो इन सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। टेम्परेंस का कार्ड हमें ये बताता है, आपके पार्टनर आपको वापस इस रिश्ते में नई शुरुआत देंगे, बराबर का प्यार देंगे। आपके पार्टनर इस रिश्ते में इन सभी चीज़ों की वजह से अगर दूरी बना रही थी, आपको कमिटमेंट नहीं दिया था, तो अब वो आपके पास आएंगे, आपके साथ नई शुरुआत करेंगे, इस रिश्ते में आपको जजमेंट देंगे। ओके गाइस, अगर आप लोग के बीच में ऐसा कोई भी इशू था, आप बेफिक्र हो जाइए, आपके पार्टनर आके आपके साथ जजमेंट जरूर करेंगे। ऊपर वाला आपके साथ जजमेंट करेगा, इस रिश्ते में पॉजिटिविटी देगा और आपको कमिटमेंट देगा। ट्रस्ट रखिएगा, आपके पार्टनर से आपके साथ शादी ज़रूर होगी। अगर आप मैरिड हैं तो नए से, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देंगे, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जितनी भी दूरियां हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी। सारी चीज़ें बहुत जल्दी बहुत अच्छे से ठीक होने वाली हैं। ठीक है गाइस, एनर्जी ओरिकल देख से भी देखते हैं कि और क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिल दिमाग में। एनर्जी हमें डिवाइनली गाइड कीजिए, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज, नेक्स्ट एक्शन क्या है, वो कब तक बात कर सकते हैं, प्लीज़ हमें बताइए। डोर टू वैल्यू, जल्दी ही एक अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है आपको अपने पार्टनर की तरफ से। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, आपके पार्टनर यहाँ पर कॉइन्स की एनर्जी है, वहाँ पर कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ आई है एक्चुअली, और वो अब आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। आपके पार्टनर वुमन होल्डिंग ए हार्ट, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। वुमन होल्डिंग ए कॉइन, आपको खोने से भी डर रहे हैं, आपकी वैल्यू समझ आ रही है। इन सब चीज़ों को लेकर अब आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत जल्दी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आपकी तरफ कॉल मैसेज बहुत जल्दी आ सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था नंबर 17, तो आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं आपके पार्टनर। आप दोनों के बीच में बातचीत बंद थी, तो बातचीत वापस से शुरू हो सकती है और सारी नेगेटिविटी पीछे छूट जाएगी, पॉजिटिविटी के साथ आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है गाइस, ये थी आज की हमारी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें और हमेशा खुश रहें। बाय बाय, टेक केयर।